पुलिस वाले को, उन्होंने डंडा चलाया, इन पे वार किया, अभी तो उमन का काफी हो चुका है, तो लगा तो उनको ऑटोमेटिक हार्ट अटैक आ गया, रिसेंट हार्ट अटैक है, ऑन द स्पॉट डेथ कर गए। सारण जिले के कोपा थाना अंतर्गत नयका बाजार पर बीती रात्रि उत्पाद विभाग की टीम के छापेमारी के दौरान कारोबारियों के भागने पर पुलिस ने रास्ते से गुजर रहे एक फर्नीचर व्यवसायी पर डंडा चला दिया, जिसके कारण हार्ट अटैक से उनकी मौत मौके पर हो गई। इतना देखने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और उन लोगों ने उत्पाद विभाग की टीम को बंधक बना लिया, जिसके बाद आधी रात तक लोगों का हंगामा चलता रहा। सूचना के बाद स्थानीय थाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे और देर रात तक हंगामा चलता रहा। मृत व्यक्ति की पहचान जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के खैरवार गांव निवासी स्वर्गीय भरत सिंह के 55 वर्षीय पुत्र सुरेश सिंह के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि वह कोपा में ही फर्नीचर की दुकान चलाते हैं। फर्नीचर दुकान चलाने के बाद वह लौट रहे थे, तभी उत्पाद विभाग की टीम वहाँ छापेमारी कर रही थी। इस दौरान दो कारोबारी भागे तो पुलिस उनका पीछा करते हुए रास्ते से आ रहे सुरेश सिंह के ऊपर भी डंडा चला दिया, जिसके कारण हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। इस घटना के बाद देर रात्रि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छपरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। ये बेचारा आ रहे थे उधर से, ये लोग कालर कितना भी छोटा छोटा आदमी को ये लोग पकड़ लेता है, मारने लगे ये लोग, मार कर पकड़ के ये लोग पूरा को। यहाँ पे पीने वाले को फायदा है, ना पीने वाले को बहुत घाटा है। जो पीता है वो बेनिफिट में है, जो नहीं पी रहा है वो नुकसान में है, जो पी रहा है उसको आराम से पैसा दे रहा है। अभी क्या हुआ है यहाँ पे? अभी क्या? और यहाँ पे आया सब, इनको देखा नॉर्मल बुजुर्ग आदमी है, जेब में पैसा था, फोन था, अच्छा खासा थाली में लिए थे, इनको ये देखा नहीं गया पुलिस वाले को, उन्होंने डंडा चलाया, इन पे वार किया, अभी तो उमन का काफी हो चुका है, तो लगा तो उनको ऑटोमेटिक हार्ट अटैक आ गया, रिसेंट हार्ट अटैक है, ऑन द स्पॉट डेथ कर गए। और उसके बाद ये कह रहे हैं लोग कि मतलब ये कि हम ये कुछ नहीं किए, वैसा पर सब कुछ यही कर रहे हैं लोग, और यहाँ पर रोज इन लोगों का काम यही चल रहा है, मतलब आदमी को।